हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित शर्मा। तो आज हम जाने वाले हैं अलीबाग, क्योंकि मैंने एक रील्स पे एक वीडियो देखा था 500 के अंदर अलीबाग जाके आ सकते हैं। तो मैं बोला क्यों ना ट्राई किया जाए। अभी निकल रहा हूँ मैं अलीबाग के लिए, क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। मैं डरा हुआ होता हूँ कि ये मेरी आखिरी ट्रिप ना बन जाए। जैसे ही मैं ट्रेन में एंटर करता हूँ, ये आरती सुनने के बाद काफी हैप्पी एंड रिलैक्स फील करता हूँ। ट्रेन में मैं कांदीवली स्टेशन पे चढ़ा था, अभी मैं चर्च गेट में उतरा हूँ। चर्च गेट इसका लास्ट स्टॉप है और अभी मैं जा रहा हूँ गेट ऑफ इंडिया की तरफ, जो कि ये 20 मिनट। मैं सोच रहा हूँ टैक्सी से जाऊँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा। वैसे बस कर लो तो ज़्यादा बेटर है, फुल एयर कंडीशन, ओनली फॉर 6 रुपीज़। अगर किसी को मुंबई दर्शन करना हो तो फाइनली पहुँच गए भाई, और यहाँ आके जो खुशी मिल रही है ना, लास्ट टाइम आने नहीं मिला था। हेलो जी, मेरा नाम सुमित है। पीछे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो गेट ऑफ इंडिया है। ये है ताज होटल। आई नो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो पता ही होगा, बट फिर भी। अभी टाइम हो रहा है 11 और धूप इतनी है ना यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता घर जाने के बाद मेरे को कोई पहचान पाएगा, पूरा टैन हो जाएगा गंदा वाला। और कभी अगर आपको चाय वाय पीने का मन हो जाए तो बैकग्राउंड में अच्छा होटल है, 5 स्टार। सुना है चाय अच्छी मिलती है वहाँ पे। डांसिंग बोर्ड देखा है कभी? तो गेट ऑफ इंडिया आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है घूमने के लिए। पहला तो है मुंबई दर्शन, दूसरा एलिफेंटा केव, तीसरा यहाँ से अलीबाग भी जा सकते हैं मेरी तरह। तो यहाँ पे एलिफेंटा केव जाना हो तो गेट ऑफ इंडिया के पीछे से रास्ता है, और अलीबाग जाना हो तो ये रही लाइन। इस टिकट प्राइस में बस का प्राइस भी इंक्लूडेड है। गेट ऑफ इंडिया टू मांडवा रास्ता है 1 घंटे का, ये फेरी से। इमेजिन करो आप सी के बीच में हो, आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं, सिर्फ समुंदर। ये जो फीलिंग है ना, फुल क्रेजी। हैशटैग अलीबाग। बोर्ड में तो सिर फटे घूम रहा था, बट अभी बाहर आते ही सीधा नॉर्मल हो गया। तो अभी बस ढूंढ रहे, तो अभी हम बस में आएंगे। वेलकम टू अलीबाग बीच। बड़े भूख लगी थी तो लंच शेवपुरी। क्या आपको पता है इस जगह का नाम अलीबाग कैसे पड़ा? तो अभी मैं हूँ अलीबाग बीच पे, और बीच काफ़ी क्रेजी है यार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Say it.
मुझे तो पर्सनली ये ATV पसंद आई। यहाँ पे और भी बहुत सारी राइड्स अवेलेबल हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड, फिर बोटिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बनाना राइड, बोट पैराशूट राइड। मुझे तो कंट्रोल नहीं होता, मेरे को पता था, इसलिए मैं फुल तैयारी में आया था। यहाँ पे आने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। और नहाने में जो मज़ा आया है ना, फुल क्रेजी। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, अराउंड 4 बज गए होंगे मेरे को लगता है, तो घर पे जाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड 3 से 3.5 घंटे। तो निकलते अभी फटाफट। फाइनली बस से उतर गए और पूरा रास्ता खड़े खड़े आया, बस टांगों की एक्सरसाइज हो गई थोड़ी, और अभी जा रहे बोट पकड़ने के लिए। तो अभी जाते जाते घर पे थोड़ी भूख लग रही थी, तो माजा और कुरकुरे, ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा हूँ हैवी, क्योंकि बोट में अभी सिर घूमेगा ना तो सब बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला कि बोट में सिर घूमता है यार, 1 घंटे पानी के रोज़ सा ट्रैवल नहीं करते ना पानी वाले जगह पे से। बोट में अगर आपका फोकस सिर्फ फ़ोन और म्यूज़िक पे हो तो ये मोशन सिकनेस से बच सकते हो, क्योंकि आने के टाइम पे मैंने यही मेथड यूज़ किया।